सो फिल्ट्रेशन मेथड में यहाँ पे क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड में आप यहाँ पे यूज करते हो फिल्टर मीडियम्स एंड बाय मींस ऑफ दिस फिल्टर मीडियम्स वी रिमूव द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन वाटर, द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन वाटर। सो फिल्ट्रेशन मेथड में फर्स्ट यहाँ पे फिल्ट्रेशन में रिमूव क्या कर रहे हो, फाइनर सस्पेंडेड सॉलिड्स और फाइनर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सो रिमूव्स फाइनर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फाइनर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सो ये फंक्शन है आपके फिल्ट्रेशन मीडियम का। अब इस फिल्ट्रेशन मीडियम में डिफरेंट प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। उससे पहले हम ये देखें, फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बोला कि रिमूव कर रहा है फाइनर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और ये फिल्ट्रेशन जो आपके होते हैं दैट इज रिमूव्ड बाय मींस ऑफ फिल्टर मीडिया। तो पहले ये फिल्टर मीडिया के बारे में हम लोग जाने। फिल्टर मीडिया आपके ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज दैट इज ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड वन इज प्रेशर फिल्टर। सो राइट हियर, सो आपका फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर मीडिया होता है, फिल्टर मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ये फिल्टर मीडियम या फिल्टर मीडिया आप जो बोल लो। सो ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं, दीज टू टाइप्स आर ग्रेविटी फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। सो ये ग्रेविटी और प्रेशर फिल्टर होते हैं। सो ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर में वो ऐसे फिल्टर होते हैं जिसमें जो हेड रिक्वायर्ड है इस डिस्चार्ज को कैरी आउट करने के लिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय वाटर इटसेल्फ। वेयर एज इन प्रेशर फिल्टर वी यूज सर्टन एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल एजेंट आप यूज करते हो टू जनरेट दैट प्रेशर, टू जनरेट दैट हेड। हेड क्या है, प्रेशर का फॉर्म है, हेड के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। सो हेड यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे हेड के फॉर्म में जो आप प्रेशर बोल रहे हो, इसको एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं है, ये अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये खुद से हेड जनरेट करता है, वाटर इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स हेड एंड दैट कैरीज आउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, दैट कैरी आउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और ये हेड क्यों रिक्वायर्ड है, वाटर को फ्लो करने के लिए हेड की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। सो हेड की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय वाटर इटसेल्फ, सो सच टाइप ऑफ फिल्टर इज नोन एज ग्रेविटी फिल्टर। सो राइट हियर, हेड रिक्वायर्ड फॉर फ्लो इज, ये हेड जो रिक्वायर्ड फ्लो के लिए कौन जनरेट करता है, इज जनरेटेड बाय वाटर इटसेल्फ। वेयर एज प्रेशर फिल्टर के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट्स, यहां पे जनरली हम लोग प्रेशर डिवाइसेस लगाते हैं जो प्रेशर जनरेट करते हैं, हेड प्रोवाइड करते हैं सो दैट फ्लो कैरी आउट हो। सो एक्सटर्नल डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड हेड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर में दो पार्ट होते हैं, फर्दर ग्रेविटी फिल्टर के दो पार्ट हैं, एंड दोज टू पार्ट्स आर, फर्स्ट वन इज नोन एज स्लो सैंड फिल्टर एंड सेकंड वन इज रैपिड सैंड फिल्टर। सो ये आपके ग्रेविटी फिल्टर्स के टाइप हैं। नाउ ये प्रिंसिपल क्या है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। मैंने अभी आपको सेडिमेंटेशन में मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग उसका प्रिंसिपल है, मींस अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी विथ इट्स ओन मास सेटल होते हैं और वहां से इंप्योरिटीज रिमूव हो गए। सिमिलरली फिल्ट्रेशन प्रोसेस का भी तो कुछ प्रिंसिपल होगा। स्क्रीनिंग का प्रिंसिपल था, आपने स्क्रीन लगाया वो रिमूव हो गया। एरेशन में प्रिंसिपल था, आपने वाटर के कॉन्टैक्ट में लाया रिमूव हो गया। सेडिमेंटेशन में था ग्रेविटेशनल सेटलिंग, वो सेटल कर रहे हैं इंप्योरिटीज अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, रिमूव हो गए। देन देयर मस्ट बी सर्टन प्रिंसिपल फॉर दिस फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो इंप्योरिटीज रिमूव होता है, देयर इज फोर डिफरेंट स्टेप्स विच इज
ऑल्सो रेफर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे इंप्योरिटी जो रिमूव होते हैं दैट इज फोर डिफरेंट स्टेट्स हैं, फोर डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जिससे कि इंप्योरिटीज रिमूव होंगे. सो दोज फोर स्टेप्स आर नोन एज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, देन बायोलॉजिकल चेंजेस एंड एट लास्ट इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस. So, ये चार स्टेप्स हैं फिल्ट्रेशन, किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये चार डिफरेंट स्टेप्स हैं और इसी स्टेप के बेसिस पे आपके इंप्योरिटीज रिमूव होते हैं. सो विल राइट हियर फोर डिफरेंट स्टेजेस जो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस के हैं. सो देयर इज फोर डिफरेंट स्टेजेस और वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. सेकंड वन मैंने आपको क्या बोला अभी, सेडिमेंटेशन. सो सेडिमेंटेशन. थर्ड वन इज बायोलॉजिकल चेंजेस एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस. So, ये आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कैरी आउट होते हैं. मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके जो फिल्टर मीडियम्स हैं वो फिल्टर मीडियम्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, अगर इस वॉइड से बड़े साइज के आपके इंप्योरिटीज हैं तो वो क्या होंगे, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, वो इससे पास नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही रिटेन किए रहेंगे. सेम प्रोसेस जो आपके स्मॉलर साइज के हैं वो नीचे पास हो गए. ओके, उसके बारे में बाद में देखेंगे. नाउ अब ये जो आपके पार्टिकल जो इंप्योरिटीज जमा हो रहे हैं, जो आपके इस लेयर फिल्टर मीडियम के ऊपर जमा हो रहे हैं, ये जमा हो रहे हैं तो किससे, वॉइड्स के साइज से बड़े थे इसलिए, बट पार्टिकल के साइज से तो ये छोटे साइज के थे, तो अब इसके वॉइड्स क्या होंगे, प्रीवियस वाले वॉइड से भी स्मॉलर साइज के होंगे. सो इस तरीके से और भी छोटे छोटे जो आपके होते हैं वो पार्टिकल्स ऊपर रिटेन होते जाएंगे और कुछ पास होते जाएंगे. तो जो आपके पास हो रहे हैं वो फिर आपके सेकंड स्टेज सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेटल करना स्टार्ट करेंगे. ये सेटल करेंगे तो ये टॉप लेयर एक फॉर्म करेंगे जहां पे सारा कुछ सेटल हो रहा है, जहां पे सारा कुछ सेटल हो रहा है आपका ड्यू टू सेडिमेंटेशन प्रोसेस. ये जो सेटल हो रहे हैं इंप्योरिटीज ये जनरली होते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर. अब यहां पे बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन आप अगर ओपन एरिया फिल्ट्रेशन कर रहे हो, वो फिल्टर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत छोटा सा फिल्टर था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ओपन एरिया में फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूं. अब इसके टॉप लेयर पे ये अगर फिल्टर मीडियम है, ये आपका मान ने मान लिया ये फिल्टर मीडियम है, इसमें आपके यहां टॉप लेयर पे ये सब वाटर है पूरे पे, दिस इज वाटर. अब इसके टॉप लेयर पे मैं बोल रहा हूं इंप्योरिटीज जो हैं, दोज इंप्योरिटीज, ये सारे इंप्योरिटीज हैं जो इसके ऊपर जमा हो रखे हैं. ठीक है, अब ये इंप्योरिटीज और नीचे भी कुछ इंप्योरिटीज होंगे. ठीक है, ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर, जनरली ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इंप्योरिटीज. सनलाइट आ रहा है, इस सनलाइट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट होगा और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एल्गी, वो क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे. अब ये जो एल्गी फूड प्रिपेयर करेगा इसे ईट करेंगे, इसे खाएंगे कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली इस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते जाएंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपके सारे ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गए, अब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजायरेबल नहीं है, ये हमारे कोई दोस्त नहीं है, इन्हें भी रिमूव करना. तो ये कैसे रिमूव करेंगे, जब सारे ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गए तो ये माइक्रो, ये सारे कुछ मैं टॉप लेयर की बात कर रहा हूं, इसी टॉप लेयर पे डिफरेंट पार्ट्स है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से बहुत बड़े होते हैं, नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो. अब इतने स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूं जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट कर जाएंगे. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर दिए, बट यहां पे आपका रेस्पिरेशन एंडोजेनस रेस्पिरेशन अब स्टार्ट होगा. एंडोजेनस रेस्पिरेशन मीन्स ये माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद को ही खाना स्टार्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट ईटिंग देमसेल्फ एंड एट लास्ट एंटायर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स विल रिमूव्ड. अब यहां पे जो सर्टन टाइप के थोड़े बहुत इंप्योरिटीज हैं दैट विल रिमूव्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस. इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस क्या होते हैं, जो आपका फिल्टर मीडियम है और जो आपके इंप्योरिटीज हैं, दोज बोथ आर ऑफ अपोजिट चार्जेस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को.
तो ये जो इंप्योरिटीज थे नेगेटिव चार्ज के, वो आपके जाके ब्लॉक होंगे कहाँ पे, फिल्टर मीडियम में। और फिल्टर मीडियम का काम ही यही है, वो उस पर्टिकुलर इंप्योरिटीज को होल्ड करके रखेगा, ब्लॉक करके रखेगा, सो दैट वाटर कैन फ्लो विदाउट एनी इंप्योरिटीज। सो ये एंटायर स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स हैं जो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिल्टर, फिर किस लेवल पे कर रहे हो, उसमें इंप्योरिटीज कैसे है, बट अल्टीमेटली अगर ओवरऑल बात करूं तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहां से आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहां पे कैरी आउट कर लिए। तो ये आपके चार डिफरेंट स्टेप्स थे, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। ये बायोलॉजिकल चेंजेस जिसने मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना आपको, जिस पर्टिकुलर लेयर, ये टॉप लेयर में हो रहा है ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ डेक लेयर, स्मूथ डेक लेयर, दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर। सो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्मूथ डेक लेयर। आप उसको कुछ और प्रोनाउंस करना चाहते हो आपकी मर्जी भाई, कर लो, बट ये है स्मूथ डेक लेयर। सो दिस इज द स्मूथ डेक लेयर, जहां पे ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड फिल्ट्रेशन। अब मैंने आपको बोला फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्टर मीडियम दो टाइप के होते हैं, ग्रेविटी, दूसरे प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी में भी दो होते हैं, एक होता है स्लो सैंड फिल्टर एंड अनदर वन इज रैपिड सैंड फिल्टर। तो क्या डिफरेंसेस है ये स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर में, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर। नाम से ही पता चल रहा है, एक स्लो सैंड है, दैट मीन्स ऑब्वियस बात है उसकी फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी होगी, डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी, वो स्लो होगी एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो ये आपके होते हैं दो तरीके के जो मैंने बोले, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर एंड नेक्स्ट वन इज रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। सो इनके बीच के अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, सो स्लो सैंड फिल्टर जो आपके होते हैं, ये स्लो सैंड फिल्टर, इसमें जो आपके वाटर आ रहे हैं, ये वाटर सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन से ही लेता है, प्लेन सेडिमेंटेशन से ही। आप स्लो सैंड फिल्टर है तो आप उसमें सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन वाले वाटर ही डिस्चार्ज करोगे। अगर आपका कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन से आपने वाटर ड्राइव किया है, सो उस वाटर को आप स्लो सैंड फिल्टर में यूज नहीं करोगे, क्योंकि कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में आपके जो पार्टिकल्स होंगे, जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी, वो इंप्योरिटीज बहुत ही फाइन होगी, क्योंकि अगर वो थोड़े भी बड़े साइज की होती तो वो कंबाइन होकर अल्टीमेटली रिमूव हो गई होती, क्योंकि कोगुलेशन उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है। सो वहां पे वेरी वेरी फाइनर साइज ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो अगर इतने फाइन साइज के पार्टिकल्स आपने स्लो सैंड फिल्टर में यूज कर लिया ना, ये पूरे फिल्टर मीडियम को ही ब्लॉक कर देगा। सो दैट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, तो स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन से सिर्फ वाटर लेते हैं। अगर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का वाटर है, देन गो फॉर रैपिड सैंड फिल्टर, गो फॉर रैपिड सैंड फिल्टर। और ये स्लो सैंड फिल्टर में मीडियम क्या होता है आपका, मीडियम दोनों केसेस में सैंड ही होते हैं, मीडियम होते हैं सैंड, सैंड का मीडियम होता है। और इस सैंड के बिलो आप एक ग्रेवल का लेयर रखते हो, ये ग्रेवल का लेयर होता है टू सपोर्ट द सैंड लेयर। अगर ग्रेवल का लेयर नहीं लगाओगे, ग्रेवल ऑब्वियसली होता है लार्जर साइज है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं आपके, ये सैंड के लेयर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर इस सैंड के लेयर को सपोर्ट करने के लिए आपने ग्रेवल लेयर नहीं रखा है, तो देर आर चांसेस कि वाटर के फ्लो से ये सैंड मीडियम धीरे धीरे रिमूव होने लग जाए, और जब सैंड मीडियम रिमूव हो जाएंगे तो पूरा का पूरा एंटायर फिल्टर मीडिया ही आपका कोलैप्स कर गया। सो जनरली यहाँ पे आप यूज करते हो सैंड एज अ मीडियम एंड ग्रेवल एज अ सपोर्टिंग लेयर, ग्रेवल एज अ सपोर्टिंग लेयर। फर्दर सर्टन पीरियड के बाद जब आप इसकी क्लीनिंग कैरी आउट करोगे, तो क्लीनिंग कैसे कैरी आउट करोगे, टॉप सरफेस ऑफ सैंड जो है उसको 10-15 mm रिमूव करोगे डिग करके, सो दैट उसमें आप देखोगे बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, उसे आप रिमूव करके फिर फ्रेश लेयर एक वहां पे यूज कर सकते हो टू रिमूव द इंप्योरिटीज। तो ये स्लो सैंड फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस काफी टीडियस है, मीन्स टाइम टेकिंग है, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत लेस होती है। बट अगर इफिशियंसी की बात करो, सो इफिशियंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज इन रेंज ऑफ 95-98%। सो अगर मैं बात करूँ इफिशियंसी की, सो इफिशियंसी इज 95-98%। बट अगर मैं रेट की बात करूँ, सो दैट रेट इज लेस, रेट इसका होता है 2400-4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे।
सो 4800 लीटर मैक्सिमम एक मीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक दिन में ये आपका वहां पे रिमूव कर लेता है। बट वेयर एज अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर की बात करो, सो रैपिड सैंड फिल्टर में ये रेट रहता है 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। अब आप ये देख लो कितने 20-30 टाइम्स फास्टर रेट पे वर्क करता है रैपिड सैंड फिल्टर, बट इसकी इफिशियंसी इसकी नियरली 80-85% होती है। सो इफिशियंसी स्लो सैंड फिल्टर की हाई है और रैपिड सैंड फिल्टर की इफिशियंसी कम है, बट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई। सो कई बार हम लोग क्या करते हैं, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर प्लस रैपिड सैंड फिल्टर दोनों कंबाइन करके आप फिल्टर मीडिया कंस्ट्रक्ट करते हो। सो सच टाइप ऑफ फिल्टर इज नोन एज डुअल मीडिया फिल्टर, मीन्स वहां पर स्लो सैंड के भी फैसिलिटीज हैं और रैपिड सैंड की फैसिलिटीज है। तो स्लो सैंड आपने ऐड किया रैपिड सैंड में, तो इस केस में आपका क्या होगा, इफिशियंसी इंक्रीज करेगी, और रैपिड सैंड है तो वो आपके रेट ऑफ फ्लो को इंक्रीज करेगा। सो सच टाइप ऑफ मीडियम इज नोन एज डुअल मीडिया फिल्टर। डुअल मीडिया फिल्टर, डुअल मीन्स दो हो गए, सो डुअल मीडिया फिल्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रैपिड सैंड फिल्टर की, तो रैपिड सैंड फिल्टर में एक खास बात यह होती है कि रैपिड सैंड फिल्टर में जो आप क्लीनिंग करते हो वो क्लीनिंग रिमूवल ऑफ लेयर करके नहीं करते, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है और टीडियस प्रोसेस है। रैपिड सैंड फिल्टर में आप क्या करते हो, फ्लो आपका जो हो रहा है मीडियम के, जो आपके फिल्टर मीडियम है उसके बैक साइड से आप वाटर एंटर कराते हो, बैक साइड से वाटर एंटर कराते हो, और इस वाटर के प्रेशर से जो आपके फिल्टर मीडियम में जो ग्रेवल जो आपके सैंड्स में इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को ये रिमूव कर देता है। सो ये जो आपका डिस्चार्ज है जो आपने फ्रॉम बिहाइंड एंटर कराया इस फिल्टर मीडियम में टू क्लीन, क्यों यूज कर रहे हो, टू क्लीन द फिल्टर मीडिया। सो दैट इज नोन एज बैकवॉश डिस्चार्ज, एंड द वेलोसिटी एट विच दिस बैकवॉश डिस्चार्ज इज अलाउड टू मूव थ्रू दिस रैपिड सैंड फिल्टर इज नोन एज बैकवॉश वेलोसिटी। और ये बैकवॉश वेलोसिटी अप्रॉक्स आपके 15-90 सेंटीमीटर पर मिनट के बीच का रेंज होता है, जनरली 45 सेंटीमीटर पर मिनट लेते हो आप। ये वेलोसिटी आप इसलिए ले रहे हो, ये इस पार्ट को वेलोसिटी जो आप बैकवॉश वेलोसिटी डिजाइन करोगे, जब डिसाइड करोगे डिजाइनिंग के टाइम पे, वो उसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या होगा, वो पॉइंट ये होगा कि आपने जो मीडियम यूज किया है उसमें अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी से आपकी बैकवॉश वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी से बैकवॉश वेलोसिटी आपकी लेस होनी चाहिए। क्यों, कॉन्सेप्ट समझो, पार्टिकल्स जो फिल्टर मीडिया को बना रहे हैं वो पार्टिकल्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी भी सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है आपकी सेटलिंग वेलोसिटी। सो वो सेटलिंग वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, उसकी मिनिमम होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे सेटल कर रहा है, अगर इस वेलोसिटी से आपकी बैकवॉश वेलोसिटी ज्यादा है तो इस पार्टिकल को तो रिमूव कर देगा फ्लो के साथ। सो इसलिए हम लोग फिल्टर मीडिया को डैमेज ना करें, इसके लिए हमने बैकवॉश वेलोसिटी जो डिसाइड की है वो बैकवॉश वेलोसिटी आपकी सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेस होनी चाहिए। तो अगर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिमूव नहीं हुआ बैकवॉश डिस्चार्ज के टाइम पे, तो रेस्ट जितने भी पार्टिकल्स है वो तो रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर साइज से जो आपने कंसिडर किया है उससे आपके हायर साइज के हैं। सो इन दैट वे there will be not removal of any filter media particles during the backwash discharge. So backwash discharge में आपके कोई भी filter medium का particle remove नहीं होगा. So that is the concept behind this backwash velocity. Generally आपका velocity का जो value मैंने आपको बोला, that velocity value is nearly 45 centimeter per minute. वो 15 से लेके 90 तक का range होता है, but backwash velocity is 45 सेंटीमीटर पर मिनट। और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ minimum size of particles forming filter medium
तो जो फिल्टर मीडियम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो डिफरेंट पार्टिकल्स, उसमें स्मॉलेस्ट साइज की जो पार्टिकल्स होगी उसकी सेटलिंग वेलोसिटी से कम होनी चाहिए आपकी बैकवास वेलोसिटी, और रेंज होता है 15 टू 90, जनरली कंसिडर करते हैं 45 सेंटीमीटर पर मिनट। और ये जो बैकवास डिस्चार्ज होते हैं, सो दैट बैकवास डिस्चार्ज के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग बैकवास डिस्चार्ज, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% ऑफ टोटल डिस्चार्ज दैट इज कैरिड आउट बाय रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर की जो कैपेसिटी है जितनी पर्टिकुलर डिस्चार्ज को होल्ड करने की, हैंडल करने की, उसका 2 to 5% आप बैकवास डिस्चार्ज में वाटर यूज करते हो। टोटल बैकवास डिस्चार्जिंग प्रोसेस 30 मिनट्स में कैरी आउट हो जाता है। अब आप देखो स्लो सैंड फिल्टर में आप पूरे सैंड मीडियम्स को रिमूव कर रहे हो 10 to 15 mm, फिर आप उससे सारे पार्टिकल्स आपने रिमूव किए, आपके जो इंप्योरिटीज थे, फिर आप उसको लेयर को वापस से कवर कर रहे हो, सो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ 30 मिनट्स में आपका इंटायर प्रोसेस कैरी आउट हो गया, क्लीनिंग पीरियड। सो क्लीनिंग पीरियड इज ऑनली 30 मिनट्स इन रैपिड सैंड फिल्टर। रेट इज ऑल्सो हाई बट एट द सेम टाइम इफिशियंसी इज लेस एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। तो अगर आपको लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, और इफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर के लिए ऑलवेज गो फॉर स्लो सैंड फिल्टर, ऑलवेज गो फॉर स्लो सैंड फिल्टर। बट एक कंसिडरेशन है, स्लो सैंड फिल्टर के लिए एरिया जो है वो लार्जर रिक्वायर्ड होते हैं, एरिया इज रिक्वायर्ड लार्जर, वेयर एज फॉर रैपिड सैंड फिल्टर द एरिया रिक्वायर्ड इज लेस। रिलेशन ये है रैपिड सैंड फिल्टर के, मैं बता रहा हूं, एंड दैट इज नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.22 √Q. Q इज डिस्चार्ज इन MLD, दैट इज मिलियन लीटर पर डे। सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। वेयर एज फॉर स्लो सैंड फिल्टर देर इज अ रेंज, मीन्स लेस देन 20 meter square है, वी विल यूज 1 + 1। ये जो सेकंड वाला वन है ना, एक स्टैंडबाय फिल्टर भी तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके फिल्टर एक रिक्वायर्ड है तो एक फिल्टर तो एडिशनल रखोगे ना, वो फिल्टर जब क्लीन हो या खराब हो गया हो या मेंटेनेंस में हो तो दूसरा फिल्टर होना चाहिए आपके पास, वो रैपिड एज वेल एज स्लो सैंड दोनों के केसेस में है। रिजर्व जो स्टॉक आप रखते हो 20 से 249 meter square तक के लिए आपके पास 2 + 1 होने चाहिए, मीन्स एडिशनल हमेशा एक रखोगे। 250 to 649 meter square के लिए 3 + 1, सिमिलरली 650 to 1200 तक के लिए आप यूज करोगे ऐसे 4 + 1 या 5 + 1। सो वेरी, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज कर रहा है इस पर आपका वेरी करता है कि नंबर ऑफ फिल्टर्स आप कितना यूज करोगे, नंबर ऑफ फिल्टर्स आप कितने यूज करोगे। जनरली 250 टू 649 में कहीं पे आप बुक में 3 भी पड़े होंगे, कहीं पे आपको 4 भी पड़े होंगे। सो ये डिपेंड्स करता है, वेरी करता है। सो अगर यहाँ पे 4 है तो इट विल बी 5, अगर यहाँ पे 3 है तो इट विल बी 4। मीन्स ये कहना चाह रहा हूं मैं कि एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ फिल्टर्स विल इंक्रीज। सो यहाँ पे आप देखो लार्जर एरिया रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, बट रैपिड सैंड फिल्टर में एरिया रिक्वायरमेंट इज लेस। और ये फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ फिल्टर बाय फॉर्मूला 1.22 √Q। सो क्यू इज डिस्चार्ज इन MLD। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो ये दोनों तो आपके थे ग्रेविटी फिल्टर, दीज वेयर ग्रेविटी फिल्टर। बट एट द सेम टाइम सेकंड टाइप ऑफ फिल्टर मैंने आपको बोला था, दैट वॉज प्रेशर फिल्टर। सो प्रेशर फिल्टर क्या है, प्रेशर फिल्टर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आपके रैपिड सैंड फिल्टर से, रेट भी सेम है 3000 to 6000 liter per meter square per hour। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर जनरेट करने के लिए आपने मशीन लगा रखा है और ये प्रेशर क्रिएट करते हैं जहां से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है। प्रेशर फिल्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स की जब क्लीनिंग होती है वो कैसे होती है आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देखना, वहां पे बॉटम में उसमें ना कई सारे वहां पर नॉजल लगे होते हैं, वो नॉजल प्रेशर जनरेट करते हैं जिससे बबल्स फॉर्मेशन होता है और वहां से वो पूरा एंटायर आपके स्विमिंग पूल्स को क्लीन करते हैं। सो स्विमिंग पूल क्लीनिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेशर टाइप ऑफ फिल्टर। सो प्रेशर टाइप का फिल्टर का रेट सेम होगा रैपिड सैंड फिल्टर, रेस्ट एंटायर प्रोसेस सेम है। आपके क्वेश्चन पूछते हैं वो नंबर ऑफ फिल्टर्स कैलकुलेट करा लेंगे या तो स्लो सैंड के लिए या रैपिड सैंड के लिए, डेटा गिवन होगा। रैपिड सैंड के लिए फॉर्मूला ये यूज है, इस फॉर्मूले के पार्ट भी है, अभी क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे वहां पे देखना। ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं बैकवास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर में वहां ये पूछा जा सकता है कि जो आपके सैंड है इसके नीचे आप ग्रेवल क्यों ले रहे हो। सो ग्रेवल मीडिया नहीं है, ग्रेवल एज अ मीडियम वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेवल जस्ट एक्ट एज अ सपोर्टिंग फॉर दो सैंड मीडियम। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। नाउ
विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड कॉगुलेशन एडेड फिल्ट्रेशन, कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन. तो यहाँ अभी तक हमने देखा रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन एंड स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, ये दोनों मेथड किसके हैं, फिल्ट्रेशन के, और ये दोनों ही रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर ग्रेविटी फिल्टर्स के टाइप हैं. और जो सेकंड टाइप है हमारा वो क्या है, प्रेशर फिल्टर. प्रेशर फिल्टर में एडिशनली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बोला था, एग्जाम्पल स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में आप प्रेशर फिल्टर के थ्रू वहां पर क्लीनिंग उसकी कैरी आउट करते हो. ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट उससे पहले एक और पॉइंट, जो आपके रैपिड सैंड फिल्टर में है गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट में क्वेश्चंस उन्होंने रिसेंटली पूछा नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहा हूं. सो इन केस अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछा थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो. रैपिड सैंड फिल्टर की जो डिजाइनिंग होती है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होती है, लाइक स्लो सैंड फिल्टर वो सिंपल डिजाइनिंग नहीं होती है. तो रैपिड सैंड फिल्टर की जो डिजाइनिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम ऑफ डिजाइनिंग. उसमें लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम ऑफ डिजाइनिंग क्या है वो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, देन यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर. सो लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम ऑफ डिजाइनिंग होती है आपके रैपिड सैंड फिल्टर के केस में. सो ये जो डिजाइनिंग है आपकी लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम, इसमें आपका जो इंटायर आपके फिल्टर सिस्टम है, जो इंटायर फिल्टर सिस्टम है उसे डिजाइन किया जाता है बाय ड्रॉइंग वेरियस लैटरल, बाय ड्रॉइंग वेरियस लैटरल्स. और ये हम लोग डिजाइन करते हैं ऐसे, सो बाय ड्रॉइंग वेरियस लैटरल. अब ये आपका पूरा एक फिल्टर बेड है, दिस इज अ कंप्लीट फिल्टर बेड. ये फिल्टर बेड है हमारे पास. नाउ इन दिस फिल्टर देयर विल बी नंबर ऑफ लैटरल्स ड्रॉन, नंबर ऑफ लैटरल्स ड्रॉन. सो दिस इज व्हाट वी से लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम. ये इस तरीके से होगा आपका, यहां पे ये गैप होंगे, देर विल बी अ गैप एंड अगेन देर विल बी नंबर ऑफ लैटरल्स. सो ये आपका लैटरल्स होते हैं, मींस पूरा फिल्टर बेड्स को हमने पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर दिया. नाउ इन दिस लैटरल व्हाट विल डू इज विल हैव सर्टेन परफोरेशंस, विल हैव सर्टेन परफोरेशंस. तो ये सारे क्या है, परफोरेशंस मीन्स टीनी अपर्चर्स और टीनी होल्स. सो दीज आर परफोरेशंस. ये आपका क्या है, दिस इज परफोरेशन. ये आपका पूरा इंटायर लैटरल सिस्टम है, दिस इज इंटायर लैटरल सिस्टम. ये आपका कंप्लीटली विड्थ हो गया आपके फिल्टर बेड का, दिस इज बी दैट इज विड्थ ऑफ फिल्टर बेड, दिस इज एल दैट इज लेंथ ऑफ फिल्टर बेड. ये जो आपके हैं, दिस इज दिस वन इज नोन एज डी. ये आप इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस. ये एक क्या है, कंप्लीटली लैटरल है, सो दैट इज वन कंप्लीट लैटरल, दैट इज कंप्लीट वन लैटरल. सो इसे हम लोग बोलेंगे डी एल, दैट इज डायमीटर ऑफ लैटरल, डायमीटर ऑफ लैटरल. वेयर एज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टू लैटरल इज नोन एज एस एल, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन लैटरल्स. ये आपकी जो स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग विल बी नोन एज एस पी, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन परफोरेशन, स्पेसिंग बिटवीन परफोरेशन. और ये जो आपकी गैप है, दिस गैप इज नोन एज डायमीटर ऑफ मैनिफोल्ड, दैट इज डायमीटर ऑफ मैनिफोल्ड डी एम. सो ये आपके मैनिफोल्ड हो गए, इसमें मल्टीपल लैटरल्स है, मल्टीपल लैटरल सिस्टम है. तो ये इंटायर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लैटरल एंड मैनिफोल्ड सिस्टम, we say it as lateral and manifold system of designing. और ये हम लोग कहाँ use करते हैं, we use this in case of rapid sand filter. Rapid sand filter की जो designing होती है filter beds की, वो कुछ इस तरीके की होती है. तो ये जो perforations हैं, ये perforations different size के होते हैं. Generally ये perforations 6 mm और 13 mm size में होते हैं, 6 mm and 13 mm size. तो if ये जो spacing between lateral है, ये spacing between lateral depend करता है, ये स्पेसिंग बिटवीन लैटरल डिपेंड करेगा कि आपकी स्पेसिंग परफोरेशंस की साइज क्या है, परफोरेशंस की स्पेसिंग क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट विल सी कि ये आपके परफोरेशंस की साइज क्या है, इसके बेसिस पे स्पेसिंग ऑफ परफोरेशन डिपेंड करेगा, और स्पेसिंग ऑफ परफोरेशन से इंटायर आपका लैटरल का स्पेसिंग क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो. तो यूजुअली जो लैटरल्स की स्पेसिंग होती है वो हम लोग 30 cm के अप्रॉक्स रखते हैं, 30 cm. परफोरेशंस की साइज मैंने आपको बोली,
perforation size is either 6.5 mm or 13 mm. तो अगर 6.5 mm perforation का size आपने लिया है, so spacing between perforation will be 7 cm. Whereas अगर आपने 13.5 mm perforation size ले रखी है, so in that case आपकी जो स्पेसिंग होगी दैट विल बी 20 सेंटीमीटर. सो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मैं नोट डाउन करा रहा हूँ. मैंने आपको बोला गेट में उन्होंने रिसेंटली क्वेश्चंस से नहीं पूछे हैं, और अगर गेट के क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंटल के क्वेश्चन आपके जियोटेक के जैसे नहीं आते हैं. जियोटेक में हमने क्या किया था, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में टॉपिक पढ़ते गए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते गए. वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, वहां पर उनके फॉर्मुलेज होते हैं कुछ फिक्स. बट एनवायरमेंटल मैंने आपको बोला 40-50% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे नहीं होंगे. मीन्स वो किसी फॉर्मूले पे जो आपके स्टैंडर्ड सिलेबस है उस सिलेबस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे, वहां जो फॉर्मूलेज आप पढ़ रहे हो उस फॉर्मूले पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. पूरे इंटायर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का आप एनालिसिस करोगे गेट की क्वेश्चंस का, तो वहां पे आप जब एग्जाम जिन लोगों ने दे रखे हैं एग्जाम्स का भी या फिर आपने क्वेश्चंस देखे तो आपको भी लगता होगा कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ ले क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है. एक्चुअल में मैंने आपको बोला था वो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं, तो ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे. बट एनवायरमेंटल में स्कोर करने के लिए मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए थे. फर्स्ट ट्रिक कि आपको यूनिट कन्वर्जन प्रॉपरली आना चाहिए, आप यूनिट्स के यूज से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. सेकंड पॉइंट जो आपका था दैट इज कि एनवायरमेंटल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़े बहुत एप्टीट्यूड स्किल्स होने चाहिए. सो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल. वहां से हम लोग क्वेश्चन एनवायरमेंटल का सॉल्व कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस आपके जितने हैं ये क्वेश्चंस हैं फिल्ट्रेशन के, बट अभी आप देखना मैं जब सॉल्व करूंगा ना आप इसमें देखना नॉर्मल फॉर्मूले यूज होंगे, नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं और उस मैथमेटिकल फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सिमिलरली अभी फर्दर जब हम लोग वेस्ट वाटर टॉपिक में जाएंगे, वेस्ट वाटर में सिर्फ एक ही टॉपिक है आपका सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे हम बीओडी सीओडी पढ़ते हैं. सिर्फ बीओडी सीओडी एक ऐसे टॉपिक्स है जहां से पहली बात क्वेश्चंस उन्होंने बहुत सारे पूछे हैं रेगुलरली, हर साल 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस उन्होंने सिर्फ बीओडी से रिलेटेड पूछे हैं और वो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे सॉल्व होंगे. सो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है. बट आफ्टर सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगर आप जाओगे तो जैसे यहां पर ट्रीटमेंट आपने देखा, अभी सेडिमेंटेशन के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, क्या वो सेडिमेंटेशन के फॉर्मूले से बेस्ड थे क्या? वो तो कॉमन कॉन्सेप्ट था ना, वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया क्या होता है, यूनिट्स के थ्रू मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो. सो वो उसी तरीके से वेस्ट वाटर में जितने भी डिफरेंट मेथड्स अभी आपसे डिस्कस करूंगा मैं, स्क्रीनिंग, ग्रिट चैम्बर, ट्रिकलिंग फिल्टर, इसके बाद एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक, सारे जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपके होते हैं बेसिक मैथ्स के, वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया लेंथ विड्थ इन्हीं पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन. प्लस इसके अपार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उस क्वेश्चंस को देख के उसके फॉर्मूले वहीं पे आपको डिजाइन करने होंगे, और उन्हें फॉर्मूले से थोड़ी ना मतलब हो, कन्वेंशनल नहीं है. अगर पेपर कन्वेंशनल होता तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके ईएससी के एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वहां पे कभी भी वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. वहां पे जितने भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो बेस्ड होंगे आपके किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे, बट यहाँ गेट की अगर बात करो तो गेट में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. मैं सिर्फ एनवायरमेंटल की बात कर रहा हूँ. एनवायरमेंटल में मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं कि वहां पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करोगे, बेसिक एप्टीट्यूड स्किल्स को यूज करोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डेफिनेटली विल सी. अभी तक भी हमने कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन देखे हैं, रेस्ट भी कुछ टॉपिक्स हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो वहां पे स्कोर करना इजी है. जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वाटर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो 3 फॉर्मूले हैं आपके पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के. अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछना है उन्हीं 3 मेथड्स में से किसी एक से पूछेंगे, उस पर आप फुल कमांड रखो. सेकंड टॉपिक ग्राउंड वाटर, मैंने आपको पढ़ाया ग्राउंड वाटर में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है. मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं तो जो मैंने आपको जो रिलेशन बताया था जैसे कि स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन पोरोसिटी, तो हो सकता है वहां पे आपसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम मेजर करवा लें. थर्ड चैप्टर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ वाटर, इसके फर्स्ट हाफ जो कि आपके क्वालिटी पैरामीटर्स है, तो क्वालिटी पैरामीटर्स में कभी भी आप ये चीजें नहीं देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं बन रहे थे, वहां क्या बन रहे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के रेंज से पूछ सकते हैं, प्लस उनका डिफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है उनकी वजह से,
ये सारी चीजें वो वहां पूछ सकते हैं, बट इसके पार्ट वहां क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, जो हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा स्क्रीनिंग, सेकंड एरेशन, वहां से न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है, बट सेडिमेंटेशन वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे और मैंने आपसे डिस्कस भी किए, दो क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन में। आपको कोई भी ऐसा चीज लगा जो कुछ अलग टाइप का फॉर्मूला था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स के थे, वॉल्यूम एरिया के बेसिस पे आप वहां पे फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी आपको कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कहाँ फिल्ट्रेशन, और सिर्फ एक ही फॉर्मूला तो बताया था रैपिड सैंड में, n इक्वल टू 1.22 रूट क्यू, तो उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। बट उससे पहले बाकी चीज आप फाइंड तो करोगे, और उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन वो पूछते हैं फिर वो बेसिक कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, उसके डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हो, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आपको डिसइंफेक्शन पढ़ाने वाले, डिसइंफेक्शन से अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाद आपका प्रोसेस आएगा, ये आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बीओडी फाइंड करने को और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उससे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, उसे बिल्कुल आप पढ़ के जाना, क्योंकि वहां डायरेक्टली फॉर्मूला के बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सीवेज डिजाइन, सीवरेज सिस्टम डिजाइन में आपके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज हैं और उन स्टैंडर्ड फॉर्मुला पे क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये सीवेज कैरेक्टरिस्टिक और सीवेज डिजाइन, सीवेज डिजाइन से उन्होंने क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे हैं, बट ये दोनों टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे यहां से जब भी उन्होंने पूछा है, तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एयर पॉल्यूशन, ये लास्ट दो चैप्टर जो है वहां पर मैं आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दूंगा, बट इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक दो क्वेश्चंस तो आपको डिफरेंट टाइप को सॉल्व करके बताऊंगा अभी, वहां आप देखना हर एक क्वेश्चंस में कुछ अलग ही लॉजिक लग रहे हैं और वो बेसिक लॉजिक है, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे तो मैं आपको ये ट्रिक तो बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, बट एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व तो आपको करना है। तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एनवायरमेंटल में जो आपको बिल्कुल न्यू दिख रहे होंगे, तो वो न्यू नहीं है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो समझो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो और वो प्रैक्टिस आप करो, क्योंकि एग्जाम में भी आपके एनवायरमेंटल में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, जियोटेक में नहीं आएंगे। जियोटेक में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने लेक्चर्स दिए गए हैं जितने क्वेश्चन कराए गए ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, एनवायरमेंटल में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रीजन है कि एनवायरमेंटल में लोगों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 5 या 6 सॉल्व होते हैं, क्यों? क्योंकि वो 5-6 डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, बट रेस्ट 5-6 मार्क्स कैसे सॉल्व होंगे उसकी हैबिट डालो, आप उसे छोड़ के मत जाओ कि नहीं वो हमें करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है, मार्क्स एक एक मार्क्स आप ऐड करते जाओगे तभी पूरे मार्क्स आएंगे। सो उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कुछ क्वेश्चंस में हिंट दिए आपको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, रेस्ट क्वेश्चन को भी आप लोग वैसे ही सॉल्व करोगे ना। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन,